ट्यूबराज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं एक्सपो। एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक है, इथियोपिया के ऊपर बात करेंगे। हाउ टू एक्सपोर्ट इथियोपिया, कैसे आप इथियोपिया को एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर वीडियो मैं बना चुका हूं। क्या क्या प्रोडक्ट जा रहा है टू इथियोपिया। इथियोपिया का राजधानी है आदिस अबाबा, और इथियोपिया में बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया से जा रहा है फिलहाल, और इथियोपिया को आप डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हो, उसके ऊपर बात करेंगे। तो क्या क्या प्रोडक्ट का फिलहाल डिमांड है इन इथियोपिया, उसके ऊपर बात करेंगे। और इथियोपिया में क्या कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। इथियोपिया में जो एक कंट्री है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड इथियोपिया, तो इथियोपिया में बहुत सारे प्रोडक्ट भारत से जा रहा है। जैसे आगे फूड प्रोडक्ट जा रहे हैं, ऑल काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इथियोपिया को जा रहा है, और इथियोपिया को इंडिया का जो आपका टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, टेक्सटाइल गारमेंट्स जा रहा है, लेदर गुड्स जा रहा है, चप्पल वगैरह जा रहा है, और ऑल काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट जा रहा है। और इथियोपिया को आप भेज सकते हो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, ठीक है, ज्वेलरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, चीप ज्वेलरीज आर्टिफिशियल आप भेज सकते हो, और आपका जो हेयर हेयर भी भेज सकते हो, और आपका मेडिसिन मेडिसिन भी भेज सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रोडक्ट इथियोपिया को फिलहाल एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रॉम इंडिया। तो आपको जो बता दिया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी जा रहे हैं, सो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, गारमेंट्स टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऑल काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एंड आपका जो मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, और आपका जो स्टेशनरीज, जितने सारे स्टेशनरीज ऑफिसेस एंड स्कूल में यूज होता है, ये स्टेशनरीज भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू इथियोपिया। तो मैं पहले वाला वीडियो मेरा हाउ टू एक्सपोर्ट टू इथियोपिया, उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो मेरा पहले वाला वीडियोज देखने के लिए आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। तो इथियोपिया में अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना है आपको इथियोपिया में, तो आपको क्या करना है, इथियोपिया में जो ऑनलाइन में जाना है, ऑनलाइन में इथियोपिया में बहुत सारे उनका खुद का डायरेक्टरीज है, खुद का ऑनलाइन डायरेक्टरीज है, B2B डायरेक्टरीज इथियोपिया में कम है, लेकिन जो भी है मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें रजिस्टर करना है। और इंडिया का B2B ट्रेड पोर्टल्स, इंडिया का जो B2B ट्रेड पोर्टल्स 20 एंड इंटरनेशनल 20, तो 40 B2B ट्रेड पोर्टल्स में आप रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके जो इंटरनेशनल ट्रेड पोर्टल्स है 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स है, उसमें रजिस्टर करके इथियोपिया का जो बायर्स है, इम्पोर्टर्स है, बायर्स है, ट्रेडर्स है, मैन्युफैक्चरर्स को आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो हर वीडियो में मैं बता चुका हूँ इंडिया का 20 B2B ट्रेड डायरेक्टरीज कौन सा है, और इंटरनेशनली अलीबाबा वगैरह कितना साइट्स है। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। जितने सारे 20 B2B ट्रेड डायरेक्टरीज ऑफ इंडिया एंड 20 B2B ट्रेड डायरेक्टरीज ऑफ द वर्ल्ड, 40 वेबसाइट आपको रजिस्टर करना है एज एन एक्सपोर्टर। रजिस्टर करके जो टारगेटेड कंट्री है, टारगेटिंग कंट्री के बायर्स को ढूंढना है। तो अलीबाबा इंटरनेशनल में alibaba.com है, अफ्रीका येलो पेजेस है, africayellowpages.com है, alibaba.com है, उसमें जाकर आपको रजिस्टर करके इथियोपिया का बायर्स को ढूंढना है, ठीक है, ये भी कर सकते हो। इथियोपिया का रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, आप उसमें जाकर अगर ज़्यादा बजट है तो आपको वहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, इथियोपियन रेडियो, इथियोपियन न्यूज़पेपर, इथियोपिया का टीवी में, ठीक है। और इंडिया का इंटरनेशनल जो बता दिया B2B ट्रेड डायरेक्टरीज में आपको रजिस्टर करके इथियोपिया का बायर्स को ढूंढना है, और एक्सपो में भाग लेना है। इथियोपिया में एक्सपो होने जा रहा है सितंबर, कुछ एक्सपो तो हो चुका है, कुछ एक्सपो ये महीना हो रहा है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, फूड प्रोडक्ट्स और होटल एक्सपो वगैरह, तो मेनली फूड प्रोडक्ट्स एंड आपका जो होटल प्रोडक्ट्स, होटल इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट्स एंड आपका जो एग्जीबिशन, आपका जो हो गया कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का एग्जीबिशन एक्सपो होने वाला है इन इथियोपिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीना में होने वाला है एक्सपो। तो आपको अगर एक्सपो में जाना है, इथियोपिया में आदिस अबाबा में एक्सपो होने जा रहा है, आपको बता दिया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फूड प्रोडक्ट, गारमेंट्स, होटल इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट का एक्सपो होने वाला है। अगर इथियोपिया में एक्सपो में भाग लेना है तो आपको इथियोपिया जाके भाग लेना है। तो अगर आपको भाग लेना है, एक्सपो में पार्टिसिपेट करना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा कंपनी आपको मदद करेगा, बुकिंग कर देगा, तो आपका इथियोपिया का वीज़ा अरेंजमेंट करेगा, इथियोपिया के एयर टिकट अरेंजमेंट करेंगे,
इथियोपिया में आपका स्टॉल कैसे बुकिंग होगा हम अरेंजमेंट करेंगे, इथियोपिया में होटल बुकिंग करेंगे, इथियोपिया का जितने सारे अरेंजमेंट हम करेंगे हमारा कंपनी, इथियोपिया में स्टाफ भी अरेंज कर देंगे जो अफ्रीकन लैंग्वेज में आपके कंपनी के बारे में मार्केटिंग कर सके इन द विद इन द एग्जीबिशन सेंटर में। तो टोटल जो अरेंजमेंट एक्सपो का अरेंजमेंट हमारा कंपनी आपके लिए कर देगा, तो टोटल जो कॉस्ट आएगा तो हम आपको कोटेशन भेज देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए इथियोपिया जाने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हमारा कंपनी आपको मदद करेगा, कोटेशन भेज देगा। तो पूरा पेमेंट करने के बाद आप इथियोपिया जा सकते हो, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर जा सकते हो। इथियोपिया में हमारा स्टाफ आपके एयरपोर्ट में रिसीव करेंगे, होटल में लेके जाएंगे, होटल से होटल में रहोगे तो नेक्स्ट डे आपका 2-3 दिन का एक्सपो स्टार्ट होगा। इथियोपिया अगर आते हो तो इथियोपिया में मैं रहूँगा एक्सपो में, एक्सपो का टाइम पे इथियोपिया में हम मिल सकते हैं, तो इथियोपिया में हम आपको मदद करेंगे एक्सपो मार्केटिंग के लिए और बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेगा। इथियोपिया में 5-10 दिन रह के आप वहाँ का मार्केटिंग देख सकते हो, अपॉर्चुनिटी देख सकते हो एक्सपो का, एक्सपो करने के बाद, एक्सपो में पार्टिसिपेट करने के बाद वहाँ का मार्केटिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग कैसा होगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और हम आपको मदद करेंगे इथियोपिया में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। तो अगर आप इथियोपिया में कंपनी फॉर्मेशन करना है या इथियोपिया को एक्सपोर्ट करना है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, पार्टिसिपेट इन एक्सपो। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको टोटल डिटेल्स बता देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्सपो में भाग लेना है इथियोपिया में और हमें मिलकर डिस्कस करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ हमारे टॉपिक आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।